हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ अहूजा की तरफ से SSA 100M टॉप सेलिंग 100 वॉट्स PA एम्पलीफायर, जिसमें आपको 5 माइक इनपुट एंड 2 ऑक्स इनपुट देखने को मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा एम्पलीफायर, इसको करते हैं अनबॉक्स, फिर करेंगे साउंड टेस्ट एंड देन देखते हैं इसका कैसा रिव्यू रहता है। फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, जिसके साथ ही साथ हमको अहूजा का वारंटी कार्ड मिलता है, जिसमें हमारी 1 ईयर वारंटी होती है। और इसके साथ में हमको एक मिल जाता है 10 एम्पीयर का फ्यूज़, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलते हैं एम्पलीफायर की तरफ। एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल में हमको सबसे राइट कॉर्नर में देखने को मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच, इसके ऊपर पावर इंडिकेटर लाइट, उसके ऊपर अहूजा की ब्रांडिंग एंड मॉडल हमारा SSA 100M। ये रही आउटपुट LED लाइट्स, जो कि ग्लो करती हैं जिस हिसाब से हम अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। मास्टर का कंट्रोल, ट्रेबल का कंट्रोल, बेस का कंट्रोल। ये है हमारा इनपुट सेक्शन। माइक 5 और ऑक्स 2 में टॉगल कर सकते हैं। ये रहा माइक का इनपुट। माइक 4 में भी उसी हिसाब से आप माइक और ऑक्स में टॉगल कर सकते हैं। ये रहा माइक 4 का इनपुट। माइक 3 का नॉब, माइक 3 का इनपुट। माइक 2 का नॉब, माइक 2 का इनपुट। माइक 1 का नॉब, माइक 1 का इनपुट। और ये हमको हैंडल्स दे जाते हैं, जिससे कि हम इजीली इसको कहीं भी उठा के कैरी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके बैक पैनल की तरफ। बैक पैनल में हमको सबसे पहले देखने को मिल जाता है हमारा प्लग, जो कि 6 एम्पीयर पे हमको मिलता है। फिर यहाँ पे अहूजा की ब्रांडिंग, सीरियल नंबर, ये केवल जेन्युइन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। आपका लो इम्पीडेंस आउटपुट कॉमन 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम्स का। आपका कॉमन 70 वोल्ट, 100 वोल्ट ही आपके LMT आउटपुट्स। यहाँ पे आपको मिल जाता है अर्थ कनेक्टर। यहाँ पे आपको DC इनपुट मिल जाता है 24 वोल्ट पे। ये हमारा हीट सिंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको मिलता है ऑक्स 1 का इनपुट, ऑक्स 2 का इनपुट, यहाँ पे लाइन आउट एंड प्री आउट। तो कुछ ऐसा बैक पैनल है हमारे SSA 100M एम्पलीफायर का। फ्रेंड्स, हमने अपने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी LED लाइट ग्लो कर रही है। और इसमें हमने कनेक्ट किया है डुअल 12 का स्पीकर बॉक्स, जिसमें कि 100 वॉट्स के 2 स्पीकर हैं, यानी कि 200 वॉट्स RMS, जिसको कि हमने अपने एम्पलीफायर के 4 ओम्स आउटपुट पे कनेक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपल कनेक्शन है कॉमन और 4 ओम्स में। इनपुट देने के लिए हमने इसमें ऑक्स 1 में अपना ऑक्स केबल लगा रखा है। सो फ्रेंड्स, हम NCS का सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं रहता है। जैसा कि अभी माइक पे है, इसको पहले ऑक्स पे करते हैं, तब इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने एम्पलीफायर में माइक को कनेक्ट कर दिया है। माइक 5 में अभी माइक लगा रखा है, सुनिए इसकी आवाज़ कैसी आती है। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। अगले माइक इनपुट में कनेक्ट करते हैं। हेलो हेलो, चेक, हेलो हेलो हेलो। अगले माइक इनपुट में कनेक्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो। अगले माइक में सुनते हैं आवाज़ इसकी। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो, चेक, हेलो। फ्रेंड्स, आपने इसका अभी साउंड टेस्ट सुना ऑक्स पे और माइक दोनों पे। आई होप आपको पसंद ही आया होगा। इस एम्पलीफायर को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया, वहां जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। इसको आप आउटडोर और इनडोर दोनों में ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
इसमें कि आपके दो हॉर्न हैवी वोल्टेज वाले यानी कि 80-100 वॉट्स आरएमएस वाले दो हॉर्न इजीली रन हो जाएंगे, या इसमें 100 वॉट्स के 2 सिंगल 12 इंच वाले बॉक्सेज आप रन कर सकते हैं, या सिंगल डबल 12 वाला बॉक्स आप इसमें रन कर सकते हैं इजीली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं और अमेजिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइज़।